ये है दिल्ली दर्पण। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वही बिगड़ते हालातों के साथ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत होती जा रही। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित मधुकर रेनबो चिल्ड्रन अस्पताल ने रविवार को अपने यहां ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी है और कहा कि 4 नवजातों बच्चों समेत 50 लोगों की जान खतरे में है। अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में करीब 80 मरीज हैं, जिसमें कोविड-19 के भी मरीज हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 15 नवजात भी शामिल हैं, जिसमें से 4 नवजातों समेत 50 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अस्पताल में तरल ऑक्सीजन के भंडार के लिए टैंक नहीं है और उसकी निर्भरता निजी विक्रेता से ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति पर है। अधिकारी ने कहा कि निरंतर आपूर्ति के अभाव में यह रोजाना की लड़ाई बन गई है। हमें हर दिन 125 ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। तो वहीं शनिवार को कोविड-19 के 12 मरीजों की दक्षिण दिल्ली के बत्रा अस्पताल में मौत हो गई थी, जब दोपहर में करीब 80 मिनट तक अस्पताल के पास मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी। मृतकों में एक सीनियर डॉक्टर भी शामिल है। कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ने से दिल्ली के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।